हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो है ड्रेसर और मेकअप ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल की जो कबर्ड है उसे ऑर्गेनाइज करती हूं। इस कबर्ड के अंदर मैं अपनी सारी इमिटेशन ज्वेलरी, बैग्स, क्लचेस, मेकअप का सामान, बाकी जितनी भी क्रीम्स वगैरह होती हैं और जितनी भी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज होती हैं जो हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, वो सब चीज़ें मैं इस कबर्ड के अंदर ही ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। सो होपफुली मेरे कुछ आइडियाज़ आपके काम आए और आपको अच्छे लगे, तो आप भी इन्हें यूज़ करके अपनी स्पेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये है मेरी वार्डरोब जो कि हमारे बेडरूम में है, और इसके सेंटर में जो आप ये कबर्ड देख रहे हैं विथ मिरर, ये है मेरा ड्रेसर। इसके अंदर मैंने चीज़ों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा है कि अगर मुझे उन्हें कैरी करके दूसरे रूम में भी जाना हो रेडी होने के लिए, तो इट शुड बी कन्वीनियंट फॉर मी, मुझे एक एक चीज़ ना उठानी पड़े। मैंने उन्हें कैटेगराइज करके डिफरेंट ट्रेज या कंपार्टमेंट्स में अरेंज किया हुआ है। सो दिस इज़ हाउ द कबर्ड लुक्स। इसके अंदर हमने छोटे छोटे शेल्फ्स बनवाए थे इंस्टेड ऑफ बिग शेल्फ्स, क्योंकि इन्हें मैनेज और अरेंज करना ज़्यादा ईजी रहता है। सबसे ऊपर मैंने कुछ पाउचेस रखे हुए हैं जिनके अंदर कुछ ज्वेलरी है और एक्स्ट्रा एक्सेसरीज है जो आपको स्पेशल ओकेजन्स पे ही चाहिए होती है, लाइक वेडिंग्स, फेस्टिवल्स, तो डेली यूज़ में वो नहीं आती, एंड उनको मैंने अच्छे से अरेंज करके इन पाउचेस में रखा हुआ है। उसके ठीक नीचे जो सेकेंड शेल्फ है वो मेरे हस्बैंड की है, उसमें उनका सारा ग्रूमिंग का स्टफ़ रखा हुआ है। थर्ड शेल्फ में मैंने अपने क्रीम्स, लोशंस, हेयर बैंड्स, क्लचेस, वॉचेस और कुछ एक्स्ट्रा मेकअप का स्टफ रखा है। उसके नीचे जो कंपार्टमेंट है उसमें मेरा मेन मेकअप का सारा सामान रखा हुआ है। इसके नीचे एक ड्रॉअर है जिसमें कि कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने रखे हुए हैं। उसके नीचे एक बास्केट में मैंने अपने बैग्स और क्लचेस रखे हैं, और उसके साइड में हेयर आयरन, हेयर ड्रायर वगैरह रखा है। सबसे लास्ट जो शेल्फ है इसके अंदर बास्केट में मेरी सारी इमिटेशन ज्वेलरी और बैंगल्स रखी है। ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन दैट। इस वीडियो में मेनली हम फोकस करेंगे मेकअप ऑर्गेनाइजेशन और बाकी के ड्रेसर के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ये जो शेल्फ है ये मेरी फेवरेट है इस पूरी कबर्ड में, एंड राइटली सो, बिकॉज इसमें मेरा पूरा मेकअप का सामान रखा है। और रिसेंटली मैंने इस ट्रे सेट में इन्वेस्ट किया था टू ऑर्गेनाइज ऑल माई मेकअप। इसके पहले मैंने अपना सारा मेकअप जो है प्लास्टिक की ट्रेज और कंटेनर्स में ऑर्गेनाइज किया हुआ था, विच वॉज ऑल्सो गुड एंड प्रैक्टिकल। बट आजकल जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज और इवॉल्व हो रहा है। आई एम मूविंग टूवर्ड्स कंसॉलिडेटिंग द स्टफ़। इसका मतलब है कि मैं मोस्टली जो स्टफ़ है उसे एक ही जगह में कंसॉलिडेट और इकट्ठा करके रखना चाहती हूँ। पहले मैंने अपनी लिपस्टिक्स अलग कंटेनर में रखी थी, नेल पॉलिश अलग में, परफ्यूम्स अलग में, काजल वगैरह अलग स्टैंड में, सो मुझे मल्टीपल चीज़ें उठानी पड़ती थी अपना मेकअप वगैरह करने के लिए। बट अभी मोस्टली सब चीज़ें इस ट्रे के अंदर है, सो आई नो कि मुझे सिर्फ इस ट्रे को रीच आउट करना है मेकअप का सामान लेने के लिए। अपनी मेकअप शेल्फ को थोड़ा प्रिटी लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे ये इयररिंग्स का स्टैंड रखा है। यहाँ मैंने एक छोटी सी पेट्री डिश रखी हुई है ताकि मैं जल्दी जल्दी मैं कुछ भी एक्सेसरीज या वॉच वगैरह रखना चाहूँ तो इसमें रख सकूँ। कई बार इतना टाइम नहीं होता कि आप उन्हें अपनी प्रॉपर प्लेस में या कंपार्टमेंट में रख सकें, सो इसमें रख देने से वो कहीं भी लॉस नहीं होंगे, एंड जब भी आपको टाइम मिले यू कैन पुट देम बैक इन देयर प्रॉपर प्लेस। प्लस कॉटन पैड्स और ईयरबड्स रखने के लिए मैंने ब्यूटीफुल सा जार यहाँ पे ऐड किया है, इससे इस शेल्फ की लुक जो है बहुत ही प्रिटी हो गई है। और जो भी चीज़ें मैंने आगे रखी हैं उनकी वजह से पीछे की चीज़ों को एक्सेस करने में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, दे आर वेरी लाइट वेट, सो आई कैन जस्ट मूव देम अराउंड एंड ईजिली टेक आउट स्टफ फ्रॉम बिहाइंड। इस साइड में है ये क्यूट सा मार्बल का बॉक्स जो कि मेरे फ्रेंड ने मुझे आगरा से ला के गिफ्ट किया था। इसके अंदर मैंने अपने कुछ क्यूट से क्लिप्स रखे हैं। इसके पीछे मैंने एक प्लास्टिक की ट्रे रखी है जिसके अंदर मैंने अपने मेकअप के कुछ प्रोडक्ट्स रखे हैं। इसके अंदर मैंने मोस्टली ब्लश, कॉम्पैक्ट, आई शेडो पैलेट्स और फाउंडेशन वगैरह रखा हुआ है। मेकअप के टाइम यूज़ होने वाली सभी चीज़ों को इस तरीके से एक साथ ऑर्गेनाइज करके रखने से बहुत ही ईजी हो जाता है मेकअप के टाइम पे। आपको एक एक चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ती, सिर्फ इस ट्रे में से आप चीज़ें पिक कीजिए। इससे टाइम भी सेव होता है और कन्वीनियंस भी रहता है। ये जो प्लास्टिक की ट्रे है, और इसके पहले मैंने आपको पेट्री डिश दिखाई थी शेल की, एंड जो मैंने आपको झुमके का स्टैंड दिखाया था, ये सब चीज़ें मैंने मनीला फिलीपींस से ली थी जब हम वहाँ पे रहते थे। तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको इनका लिंक नहीं दे पाऊँगी, बट इनसे सिमिलर चीज़ें अगर मुझे ऑनलाइन कहीं पे मिली तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी। ये वुडन ट्रे मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से ली थी अपना मेकअप का सामान ऑर्गेनाइज करने के लिए। वैसे आप इसे किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें अपना टी स्टेशन भी बना सकते हैं, इट्स अ वेरी वर्सेटाइल थिंग। इसके ऊपर लिपस्टिक्स प्लेस करने के लिए मैंने इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से।
ये ऑर्गेनाइजर बहुत ही अच्छा है, सी थ्रू है और इसमें 24 लिपस्टिक्स आप प्लेस कर सकते हैं। अगर मैं लिपस्टिक्स को ऐसे ही इस ट्रे में रख देती तो इट वुड हैव लुक्ड क्लमजी एंड ऑल्सो वो लिपस्टिक्स जो है बार बार गिरती रहती। इस लिपस्टिक स्टैंड को यहाँ पे हॉरिजॉन्टली रखने से आगे मैं जो भी चीज़ें रखूँगी वो मेरे लिपस्टिक के व्यू को ब्लॉक करेंगी। अगर मुझे इस स्टैंड को पिक करना हो तो भी मुझे मुश्किल होगी, मुझे आगे का सारा सामान हटाना पड़ेगा या फिर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा इसे उठाने के लिए। इसलिए मैंने इसे वर्टिकली प्लेस किया है एक साइड में और बाकी सारी चीज़ें इसके साइड में अरेंज की हैं। इसके साइड में मेनली मैंने अपने कुछ परफ्यूम्स रखे हैं और थोड़ी जो स्पेस बाकी थी वहाँ पर मैंने अपना ये लूज़ पाउडर रखा है। नीचे के ड्रॉअर में मैंने रखे हैं नेल कटर्स, ट्वीज़र्स, कुछ एक्स्ट्रा मेकअप स्पंजेस, अपनी वॉच का चार्जर और कुछ इमिटेशन ज्वेलरी। ऊपर के ड्रॉअर में मेनली मैंने अपने काजल और आईलाइनर रखे हैं जो कि अब क्लियरली विजिबल हैं। जब ये स्टैंड में रखे होते थे तो मुझे पता नहीं चलता था कि कौन से कलर का कौन सा काजल है, सो नाउ इट हैज़ मेड थिंग्स मच ईजियर एंड विजिबल टू मी। इसके पीछे मैंने काजल और लिप पेंसिल शार्प करने के लिए शार्पनर्स रखे हैं और टो सेपरेटर्स रखे हैं। साइड का जो लंबा सा ड्रॉअर है इसके अंदर मैंने कुछ एक्स्ट्रा कंसीलर्स, फाउंडेशन क्रीम्स और लिप कलर्स वगैरह रखे हैं जो कि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शेल्फ, यहाँ पे मैंने एक बास्केट को रीयूज़ किया है जिसमें चॉकलेट्स आई थी और इसके अंदर मैंने अपने क्लचर्स और हेयर बैंड्स को हैंडी रखा है। इसके पीछे जो बास्केट है उसके अंदर मैंने अपने सब टाइप के लोशंस, क्रीम्स, मॉइस्चराइजर्स, सनस्क्रीन, मेकअप रिमूवर वगैरह सब इसी में रखा है। उसके साइड में ही है मेरा वॉच बॉक्स जो आई थिंक मैंने बहुत साल पहले अमेजोन से लिया था और मेरी सारी वॉचेस इसके अंदर ही रहती हैं। साइड में ये क्यूट सी बॉटल मैंने सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए रखी है, ये एक्चुअली रूम फ्रेशनर है। इसके पीछे जो प्लास्टिक की ट्रे है उसमें मैंने अपने कुछ मेकअप के ब्रशेस, परफ्यूम्स और आई पैलेट वगैरह रखा है जो कि नीचे के कंपार्टमेंट में फिट नहीं आ रहे थे और इनके डायमेंशन थोड़े ऑड हैं, तो उन सबको क्लब करके मैंने एक ट्रे में एक साथ कंसोलिडेट करके रखा है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन टिप शेयर करना चाहूँगी। जब आप इस तरीके की ट्रेज और बास्केट्स अपने कबर्ड में ऑर्गेनाइज करें तो उन्हें वर्टिकली प्लेस करें इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टली। अब इस शेल्फ का एग्जांपल लेके देख लीजिए, अगर मैं ये बास्केट इस तरीके से रखती हूँ इसे बाहर निकालना और रखना थोड़ा टीडियस हो जाता है, बास्केट थोड़ी हैवी भी लगती है। अगर मैं इसे वर्टिकली रखती हूँ तो मुझे इसे निकालना और रखना ज़्यादा ईजी लगेगा। ऑल्सो इस तरीके से रखने से मुझे पीछे की चीज़ें ईजिली विजिबल नहीं हैं और उन्हें निकालने के लिए मुझे इस बास्केट को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर मैं वर्टिकली चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हूँ सो आई कैन सी एवरीथिंग क्लियरली और एक चीज़ को निकालने के लिए मुझे दूसरी चीज़ को हटाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप उन चीज़ों को लेफ्ट साइड पर अरेंज करें या फिर राइट साइड में, दैट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। यहाँ पर मैंने चीज़ों को फ्लिप करके आपको दिखाया है। पहले मैंने इसी ब्लू बास्केट को राइट हैंड साइड में रखा था और बाकी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड में। सो प्लेसमेंट चीज़ों की सेम है, वर्टिकल है और इन्हें निकालना और रखना इजी है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं हॉरिजॉन्टली इन्हें एक दूसरे के आगे पीछे रखूं। टॉप मोस्ट शेल्फ में मैंने ये कुछ पाउचेस रखे हुए हैं जो कि ट्रैवलिंग में भी काम आते हैं और जितनी भी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज होती हैं जो कि हमें वेडिंग या फेस्टिवल्स वगैरह में यूज़ होती हैं वो सब मैंने यहाँ पर रखी हैं। ये जो गोल्डन पाउच आप देख रहे हैं ये मैंने रिसेंटली मीशो से लिया था टू ऑर्गेनाइज माय ज्वेलरी और इसे मैं अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन वीडियो में आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। हम सभी के पास ऐसी बहुत सारी एक्सेसरीज होती है जो हमें डेली यूज में नहीं लगती है बट हमें वेडिंग्स और स्पेशल ओकेजन्स में उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि इस तरीके के पाउचेज में उन चीज़ों को अच्छे से कैटेगराइज करके नीटली ऑर्गेनाइज करके रखा जाए ताकि ज़रूरत पड़ने पर इन्हें हमें ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। ट्रैवलिंग के टाइम पे यूज़ होने वाले टॉयलेटरी पाउचेज, मेकअप पाउच, बैंगल बॉक्सेस सभी को मैंने यहाँ पे एक जगह पे रखा है सो दैट आई नो कि जब मैं पैकिंग कर रही हूँ आई जस्ट हैव टू रीच आउट टू दिस प्लेस एंड यहाँ पे मुझे अपनी सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएंगी। ये जो पिंक पाउच है ये कम से कम 10 साल पुराना है और जब मैंने लैक्मे से कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे थे तो उनके पास कुछ ऑफर था और उसके साथ मुझे ये किट जो है कॉम्प्लीमेंट्री मिला था। ये एक प्रॉपर मेकअप पाउच है और इसके अंदर उन्होंने इस तरीके के कंपार्टमेंट्स और पॉकेट्स बनाए हुए हैं कि आप इसके अंदर अपना मेकअप का सामान प्रॉपरली रख सकते हैं। मैंने मोस्टली इसके अंदर अपनी हेयर एक्सेसरीज रखी हुई हैं, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं और बिंदीज रखी हैं जो कि मैं कभी फेस्टिवल्स या वेडिंग्स वगैरह में ही वेयर करती हूँ। नॉर्मली आई डोंट वेयर बिंदीज। कुछ आई लैशेज रखे हैं एक्स्ट्रा, नीचे हैं कुछ नेल आर्ट प्रोडक्ट्स। इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा हील शील्स भी रखी हैं जो कि बहुत ही काम आती हैं जब आप कोई क्लोज पम्प्स या बैलीज वगैरह पहनते हैं तो हमें शू बाइट वगैरह हो जाता है
सो ये हील शील्ड मैंने वनीला से ली थी एंड आई थिंक ये ऑनलाइन अमेजोन वगैरह पे भी अवेलेबल होंगी, तो दिस इज़ समथिंग वेरी यूजफुल। इसी के अंदर मैंने एक बॉक्स में हेयर पिन्स, जूड़ा पिन्स, सेफ्टी पिन्स वगैरह भी रखे हुए हैं और आईलैश ग्लू भी रखा है। ये सब चीज़ें मोस्टली हमें जब बहुत ही ज़्यादा ड्रेसअप होना होता है, वेडिंग या किसी स्पेशल ओकेजन में, तभी चाहिए होती हैं। सो ये चीज़ें डेली यूज़ में हमें रिक्वायर्ड नहीं होती हैं, तो मैंने इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके इस पाउच में रखा हुआ है। ये एक और पाउच है जो कि मिनीसो से मैंने लिया था और इसके अंदर मैंने मोस्टली अपने चंकी ब्रेसलेट्स और बैंगल्स रखे हैं जो कि कहीं और फिट नहीं होते, और उसके अलावा मैंने इसके अंदर कुछ अपने फैंसी हेयर एक्सेसरीज और क्लिप्स भी रखे हैं। ट्रैवलिंग के टाइम पे मैं इसे बहुत यूज़ करती हूँ, आई ऑलवेज लाइक टू कैरी इट विद मी। इसके अंदर बहुत सारा सामान आ जाता है और जो भी और डायमेंशन की चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर बहुत ही ईजिली फिट हो जाती हैं। ये एक सेट ऑफ टू पाउचेस है जो कि मैंने मिनीसो से लिया था, एक बड़ा पाउच है और उसके अंदर मैचिंग छोटा पाउच है। ये पाउच भी बहुत ही यूज़फुल है और इसे ट्रैवलिंग के टाइम पे मैं बहुत यूज़ करती हूँ। आप इसमें अपना मेकअप या टॉयलेट्रीज कुछ भी रख के कैरी कर सकते हैं। इसके अंदर ही मैंने शगुन के एनवलप्स रखे हैं जो कि वेडिंग वगैरह में यूज़ होते हैं। ये एक और पाउच है जो कि मेरा फेवरेट पाउच है टू कैरी माई मेकअप ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। मैंने इसे मनीला से लिया था पर अब ये अमेजोन पे भी रेडीली अवेलेबल है। इस एक पाउच के अंदर इतनी स्पेस और कंपार्टमेंट्स है कि आपका मेकअप अच्छे से एक एक कंपार्टमेंट में फिट हो जाता है एंड आपको ढूंढना नहीं पड़ता। इसको हैंग करने के लिए ऊपर ये हुक भी दी गई है, तो आप इसे कन्वीनियंटली कहीं पे हैंग कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे मेकअप कर रहे हैं तो आप इसे साइड में हैंग भी कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक कॉम्पैक्ट बॉटल सेट रखा हुआ है जो कि ट्रैवलिंग के टाइम पे काम आता है। इन सभी चीज़ों को मैं साथ में ही रखती हूँ ताकि ट्रैवलिंग के टाइम पे मुझे जगह जगह चीज़ों को ढूंढना ना पड़े और एक ही जगह पे मुझे सब कुछ मिल जाए। ये एक और ब्यूटीफुल सा पाउच है जो कि मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था और ये भी मैं ऊपर के कंपार्टमेंट में ही रखती हूँ। इसके अंदर मोस्टली मैंने नवरात्रि की ऑक्सीडाइज ज्वेलरी रखी है जो कि साल में एक बार ही यूज़ होती है, सो इसको मैंने सेपरेटली ही रखा है, अपनी बाकी ज्वेलरी के साथ नहीं रखा हुआ है। ये एक और पाउच है जिसके अंदर कुछ लोशंस वगैरह आए थे, तो इसको मैंने रीयूज़ कर लिया और इसके अंदर मैंने अपने सारे हेयर एक्सटेंशंस एक साथ रखे हुए हैं। ये भी हमें शादी या किसी स्पेशल ओकेजन में ही यूज़ होते हैं, सो ये सब चीज़ें मैंने एक साथ रखी हैं। तो वैसे तो इस शेल्फ में मैं पाउचेस को ऐसे भी अरेंज कर सकती हूँ, दे ऑल्सो लुक नीट, बट अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मुझे एक एक पाउच इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा एंड दैट इज़ अ लिटिल टीडियस। और ये सारे पाउचेस वो हैं जो कि मैं ट्रैवलिंग के टाइम पे यूज़ करती हूँ या फिर मुझे इनकी साल में हार्डली एक या दो बार ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे पास ये एक बड़ा सा ट्रांसपेरेंट बैग था जिसके अंदर बेडशीट्स आई थी, सो इसको मैंने यूज़ किया है टू प्लेस ऑल माय पाउचेस एंड बैग्स इन वन प्लेस। और इससे अगेन मैंने सब चीज़ों को कंसोलिडेट कर दिया है एक ही जगह में। इस तरीके से चीज़ों को कंसोलिडेट करने से थोड़ा नीट लुक भी आ रहा है और इसमें ज़्यादा चीज़ें अकोमोडेट हो गई हैं। इसे मैं इजीली ऊपर रख सकती हूँ और इसे निकालना उतारना ज़्यादा इजी है मेरे लिए। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट माई मेकअप एंड ड्रेसर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने इसमें काफ़ी सारी और इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ पाउचेस जो आप ट्रैवलिंग और मेकअप और स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे हो एंड इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स एंड बाय बाय।